हिमाचल प्रदेश द्वारा महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के अवसर पर विश्व विख्यात शक्तिपीठ चामुंडा के समीप धर्मगिरी में राजपूत कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये चिंता का विषय है कि जीवन की भागदौड़ में हम उन महानुभावों के योगदान को याद करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में विषम परिस्थितियों में समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि जीवन की भागदौड़ में हम उन अनुभवों के योगदान को याद करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में विषम परिस्थितियों में समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष और उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताना चाहिए ताकि उन्हें अपने समाज प्रदेश तथा देश के हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। मुख्यमंत्री आज राजपूत कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश द्वारा महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के अवसर पर विख्यात शक्तिपीठ चामुंडा के समीप धर्मगिरी में राजपूत कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। उनका योगदान इस प्रकार से समाज के लिए रहा है, राष्ट्र के लिए रहा है। उन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। एक बात हमको मान करके चलना चाहिए, हम समाज में काम करते करते कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी आगे पहुंच जाए, प्रगति करते करते हमारा देश हमारा समाज कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत लाजमी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे समाज में जिन लोगों का योगदान जिन महापुरुषों का योगदान इस समाज के निर्माण में समाज को आगे बढ़ाने में समाज को संगठित करने में समाज को प्रेरणा देने के लिए काम करने की दृष्टि से जो रहा है उनके योगदान को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से एक नहीं हजारों बातें सीखने को है। लड़ते लड़ते जीवन समाप्त हो गया लेकिन हार नहीं पाई। और ये भी मुझे लगता है कि एक मर्यादा की एक सीमा है। जिस बात का जिक्र यहां पर हमारे विपिन सिंह परमार जी कह रहे थे कि तलवार एक नहीं ले जाते थे, कभी दो तलवारें हमेशा रखते थे। कहीं भी अगर हमने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कोई दुश्मन ऐसा मिल जाता था जिसके हाथ में हथियार नहीं होता तो उस पर वार नहीं करते, उसके हाथ में अगर हथियार नहीं होता तो अपनी तलवार एक तलवार उनके पास दे। प्रदेश के 12 जिले हैं, इन 12 जिलों में से कहीं से भी मंत्री बन सकता है। ये बात सीएम ने महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के अवसर पर विश्व विख्यात शक्तिपीठ चामुंडा के समीप धर्मगिरी में राजपूत कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह के समापन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सीएम ने कहा कि अभी हमारा फोकस और आने वाले समय में एजेंडा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है। इसके अतिरिक्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते 3 माह में कामकाज में जो ढीलापन आया था ऐसी स्थिति में हम विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास काम करना और आगे बढ़कर काम करना है। पूर्व मंत्री अनिल शर्मा को मंच पर जगह न मिलने के सवाल पर सीएम ने कहा कि चुनाव के बाद पहली बार मंडी जाना हुआ था जहां लोगों ने अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। जहां हम गए थे वहां अनिल शर्मा ने रास्ते में एक जगह हमारा स्वागत भी किया। बाद में मालूम पड़ा कि वो मंच पर भी आए थे लेकिन बाद में जब हम मंच पर थे तब अनिल शर्मा वहां पर नहीं थे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।